केंद्र सरकार जल्द ही नई हज नीति लागू करने जा रही है, जिसके मुताबिक 45 साल से अधिक उम्र की मुस्लिम महिलाओं को अकेले हज भेजने पर विचार किया जा रहा है। मगर मोदी सरकार का ये प्रस्ताव कई मुस्लिम धर्मगुरुओं को रास नहीं आ रहा है। मोदी सरकार के फैसले को आड़े हाथों लेते हुए महाराष्ट्र जमीयत उलेमा के सेक्रेटरी ने केंद्र के इस प्रस्ताव को अटपटा करार दिया है। आपको बता दें कि सेक्रेटरी ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि महिलाओं और पुरुषों को बराबर करने का फैसला सही नहीं है। मुस्लिम धर्मगुरु का कहना है कि अगर पुरुष महिलाओं को अपनी बराबरी का हक देना चाहते हैं तो वो 4.5 महीने तक बच्चे को अपने पेट में क्यों नहीं पालते। बताते चले आपको कि केंद्र सरकार ने बीती 7 अक्टूबर को नई हज नीति पेश की है। इस नीति में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल किया गया है, साथ ही सब्सिडी की व्यवस्था खत्म करने के साथ साथ 45 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को बिना महरम के हज पर जाने के आदेश देने का प्रस्ताव किया गया है। जानकारी दे दें आपको कि महरम उस पुरुष शख्स को कहते हैं जो कि किसी मुस्लिम महिला से शादी नहीं कर सकता है, तो ऐसे में पिता, सगा भाई, बेटा और पौत्र नवासा महरम हो सकते हैं। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।